हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आप मेरे फेस से बता सकते हो कि आज सुबह जल्दी उठ गई थी और किस लिए उठी, तो ये देखिए, मुझे करना था सुबह सुबह मिस्टी को तैयार, क्योंकि ये जा रही है स्कूल। इसके स्कूल में है कुछ फंक्शन वगैरह, तो ये हो रही थी अभी तैयार जल्दी जल्दी। तो इसने बोला दीदी मुझे तैयार कर दो, तो मैंने इसका निकाला मेकअप किट, ये देखिए। तो मैंने इसका ये सभी सामान देखा, इसके हिसाब से ही मुझे इसको तैयार करना था। जो जो था मैंने वो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब छोटी है तो नॉर्मली तैयार करूँगी, ये गहने वगैरह तो क्या ही करना है इनका, पर हल्का हल्का मेकअप जो कुछ भी होता है हल्का फुल्का छोटी बच्ची के लिए वैसा कर लूँगी। तो चलिए इसका फटाफट से ही, और ये देखिए मिस्टी को देख रही है कि दीदी क्या क्या निकाल रही है यहाँ से। तो अभी मिस्टी ऐसी है और मिस्टी ने ये फ्रॉक पहनी है बहुत ही प्यारी सी। और ये देखिए मैंने मिस्टी को तैयार कर लिया है। मिस्टी को मैंने बोला कि जरा खड़ी हो जा, खड़ी नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो देखिए मिस्टी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया मिस्टी का और मिस्टी बहुत सुंदर लग रही थी। और बालों का मैंने मिस्टी का जूड़ा बनाया, क्योंकि ये नॉर्मली खुले बाल रखती है, तो मैंने सोचा आज जूड़ा सही रहेगा इसके लिए। तो ये देखिए मैंने प्यारा सा जूड़ा बनाया, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी आज तो मिस्टी को तैयार करने के लिए, तो अब क्या करूँ, ऊपर जा रही हूँ। दीदी भी उठ गई थी, दीदी बना रही है अभी जीजू के लिए नाश्ता। जीजू जाएंगे अभी ड्यूटी, तो दीदी बना रही है नाश्ता और मैं अभी कुछ नहीं कर रही। तो चलिए, तो मैं सीधा गई अभी दुकान में। दुकान में मुझे लेनी थी मेहंदी नेहा हर्बल, पर मुझे मिली नहीं वो वाली यहाँ। उसके बाद मैं घर आई और घर आके हमने अमरूद और सेब काटा और इसको हमने बनाया, और ये मैं सबको दे रही हूँ धीरे धीरे। बाकी सोनी ने भी अमरूद खाया। शिवान की थोड़ी अभी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसको इसमें नमक मिर्ची डाल रखी है हमने, तो ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की, तो उसको सही लग रहा है ऐसे खाने में, तो इसलिए ऐसे बनाया था। बाकी सब ने भी खाया, जेठी दीदी और दीदी सब ने खाया हमने। और मैंने भी खाया अमरूद, और मैं इसको देख भी रही थी क्योंकि ये ज़्यादा पका हुआ था, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसको खाने में, तो कीड़े उड़े ना हो। और ये देखिए मिस्टी डुगू सीधे स्कूल से आते ही अपने गिफ्ट पे यहाँ पे झपट पड़े, यहाँ पे डुगू के लिए। डुगू जी, डुगू का बुड्ढे जी ने लेके आए थे उन दोनों के लिए गिफ्ट, तो दोनों ने दोनों आते ही यहाँ पे झपट पड़े। और आप इन दोनों की खुशी देख सकते हो, जो ये चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप पता लगा सकते हो ये कितना खुश हो गए इसको देख के। और जब तक ये इसको पूरा खाएंगे नहीं, ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे शिवांश ने भी लिया एक, शिवांश की थोड़ी तबीयत वैसे चल रही है, तो ये खा पता नहीं खा पाई कि नहीं, थोड़ा सा खाया था इसने। तो चलिए आ गई हूँ मैं नीचे से, अब खाते हैं सीधा खाना। खाने में आज बना हुआ है ये कढ़ी चावल, तो चलिए फटाफट से खाना खाते हैं।
उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे आगे, पहले खाना खाते हैं। दोस्तों खाना वाना खा लिया है हमने, थोड़ा थोड़ी देर करते हैं आराम, तो मिलते हैं आपको शाम को, देखते हैं कुछ होगा शाम को। तो शाम अभी थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। तो हो चुकी है शाम और हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज है धनतेरस, तो चलिए थोड़ी बहुत खरीदारी करते हैं धनतेरस पे, वैसे करते ही हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या है मार्केट में, क्या नहीं है। वैसे सब चीज़ें, दिल्ली का मार्केट है, सब चीज़ें हैं, पर देखते हैं हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी वो तो लेके आएंगे। बाकी हम निकले अभी मार्केट के लिए, जाते ही देखा मार्केट में पचास की मूर्ति। कुबेर महाराज है, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, गणेश जी है। अरे गिन के देख रहे हैं, 5 रुपए का एक है, इसमें 10 पीस होता है, 50 का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं अपनी गली में, और मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी थी, तो हमने जल्दी जल्दी सामान लिया और वहां से निकल गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी क्या ही बताऊँ। वहाँ पे एक दुकान पे इतने इतने सारे लोग खड़े हो रखे थे, क्योंकि आज धनतेरस है तो इसकी ख़रीदारी करने के लिए लोग शाम को ही आए थे सबके सब। तो अभी सिवान से जेठा के साथ टीवी देख रहा है, उसे बोला मैंने ऊपर चल, नहीं आ रहा था, तो चलिए हम चलते ऊपर। और यहाँ पर देखिए डुगू मिस्टी के पटाखे फोड़ने शुरू हो गए, इनके पटाखे पता नहीं कितने दिन पहले से फोड़ रहे हैं अभी, तो आज तो धनतेरस है तो ये तो आज पक्का ही फोड़ेंगे। तो चलिए और डुब्बू जाने लग गया, ये देखिए पटाखे फोड़ने के लिए शोर मचा रहा था, और ये देखिए डुब्बू गया गली में और पटाखे फोड़ना शुरू। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मिलते रहेंगे आपको ऐसी नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।